हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। होली है, होली है भाई, होली, होली है, होली। अरे मनी ने तू यहाँ क्या कर रही है, चल ना होली खेलते हैं। बहुत काम है चल अभी। ना मेट कहाँ है तेरी, वो सारा काम कर लेगी, चल चल ना। आओ। स्टॉप इट कमल, क्या कर रहे हो तुम? कमल स्टॉप इट, तुम्हारी बीवी ने देख लिया ना तो रंग में भंग पड़ जाएगा। अरे बीबी इट्स होली, होली और होली में सब जायज है मेरी जान। तुम देखो जाओ अपनी बीवी को रंग लगाओ, देखो उसको और लोगों के साथ होली खेल रही है। अच्छा। अरे बाबा वो तो दूसरों के साथ ही होली खेलने में खुश है। ओए अच्छा यू अच्छा अभी बताता हूँ तुम्हें। कमल पार्टी में और भी लोग हैं। या बेबी होली है ना तो बस होली सबके साथ खेलनी पड़ेगी ना, कोई बुरा ना मान जाए, राइट? तुम भी लगाओ ना। ए, 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 कमल। अरे आप साथ में खेलना, पहले ठंडाई पी लो। जाओ आप भी जाओ ठंडाई पी लो, जाओ। अरे चलो साथ में खेलो, आप साथ में खेलना ठंडाई पी लो, जाओ 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 जाओ। ये कौन गिरा पड़ा है? अच्छा वहाँ पे? कहाँ पे? लगता है कोई घर से भी क्या है। चलो देखते हैं। चल चल। सीआईडी को बुलाना पड़ेगा। ये जल गया क्या? नहीं सर, पता नहीं कैसे हुआ ये। तो फिर धुआं क्यों निकल रहा है? सर आप खुद ही देख लीजिए, बहुत ही दर्दनाक मौत है। पूरा चेहरा जल गया है। सर सिर्फ चेहरा ही जला है और कहीं भी नहीं जला। सर इसका चेहरा अभी भी जल रहा है। इसके चेहरे पे किसी ने एसिड वगैरह फेंका है क्या? सर हम सब तो यहाँ पर होली खेल रहे थे, खेलते खेलते अचानक देखा ये यहाँ पे पड़े हुए हैं। सर इनफैक्ट उसके करीब जाके हमने देखा तो उसका चेहरा बुरी तरह से जल चुका था। सर है कौन ये? सर हमें नहीं पता कौन है। एक आदमी आपकी पार्टी में होली खेल रहा है और आप उसे जानते नहीं? हमने इसे यहाँ नहीं बुलाया। एक अनजान आदमी पार्टी में आके मर गया, अनजान आदमी, ये हो ही नहीं सकता है। ये चिल्लाया तो होगा ना जब इसका चेहरा जल रहा था। होली के हल्ले गुल्ले में किसी ने कुछ सुना ही नहीं। सर इसके पास कोई पर्स वगैरह भी नहीं मिला।
बस ये अंगूठी मिली। अंगूठी? ये अंगूठी आपने पहले कभी देखी? पहचानते हैं इस अंगूठी को? सर। हाँ फ्रेडी। सर, चेहरे के साथ साथ हाथ भी जल गए सर। ये देखिए इसकी हथेली। सिर्फ हाथ और चेहरा जला है? कहीं इस गुलाल में कुछ मिला हुआ तो नहीं है? गुलाल में ही कुछ गड़बड़ है, और वो जो कुछ भी है पानी लगने से खतरनाक हो जाता है। ये देखा, इसके हाथ पे और चेहरे पे पानी है। गुलाल तो पूरे शरीर पे लगा हुआ है, और तो कहीं नहीं जला। जो गुलाल हाथ पे और चेहरे पे लगा है वो शरीर में कहीं और नहीं लगा होगा। रेडी, लाश को फॉरेंसिक लैब लेके जाओ। यहाँ पे जितना गुलाल है, रंग है, सबको अच्छी तरीके से चेक करते हैं। ये देखिए सर, इसी गुलाल में कुछ मिला हुआ है। जरूर कुछ जहरीला केमिकल मिलाया होगा। ऐसा कैसे हुआ कि सिर्फ एक आदमी ने वो गुलाल लगाया? बाकी सबको मालूम था क्या इसमें जहरीला केमिकल मिला हुआ है? सर, हमें तो सचमुच कुछ नहीं पता था। हमें तो ये सब अभी पता चला है। एक आदमी की मौत हो चुकी है, समझे आप? किसने मिलाया केमिकल? अगर किसी को कुछ मालूम है तो चुपचाप बता दे, वरना सबके संबंध जाओगे। सर, हम जब यहाँ आए तो ये कलर्स पहले से यहाँ रखे हुए थे। जो कुछ भी किया होगा इन लोगों ने ही किया होगा। ये क्या बकवास कर रही हो काजल? हम क्यों ऐसा करेंगे? हमने तुम सबको इस होली के सेलिब्रेशन में इसलिए बुलाया है कि हम सब इंजॉय करें, ना कि किसी की जान लेने के लिए। अच्छा, मौत किसकी हुई है किसी को नहीं मालूम है, जहरीला केमिकल किसने मिला है ये भी किसी को नहीं मालूम है। कौन लाया था गुलाल? सर, मैं लाया था गुलाल। तुम लाए थे? सर, लेकिन दुकान से लाने के बाद सारे गुलाल के पैकेट मैंने इन थालियों में पलट दिए। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि दुकान वाले ने मिलाया? हाँ सर, उसी ने मिलाया होगा। वो गुलाल का पैकेट कहाँ है? सर, शायद डस्टबिन में होगा। पूर्वी, इनके साथ जाओ और वो पैकेट लेके आओ। सर। मिस्टर कमल, जरा अपने हाथ दिखाइए। हाथ दिखाओ अपना। दूसरा हाथ। सर, दिखाना जरूरी है सर? अपने आप दिखाएंगे, हमारा ऑफिसर आपकी मदद करेगा। अंगूठी खोलो। देखा, सारा झूठ एक झटके में सामने आ गया। मगर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर ये हाथ जला कैसे? ये तो वो सर, वो हाथ इसलिए जला है क्योंकि वो जहरीला केमिकल तुमने मिलाया है। उस आदमी को भी तुमने बुलाया था सिर्फ खून करने के लिए। नहीं नहीं सर, मैं तो उसको जानता भी नहीं सर, सच्ची सर। अपना मोबाइल दिखाओ। सर, मोबाइल क्यों? मोबाइल दिखाओ अपना।
दुबे चेक करो, देखो आज किन किन लोगों को बुलाया फोन करके इसने। सर एक नंबर पे आज 20 बार फोन किया गया है। सर कोई राजा नाम का आदमी है। राजा? आप लोगों में राजा कौन है? सर हम में तो राजा कोई नहीं है। कौन है ये राजा? सर मेरा दोस्त है सर। भाई जो मर गया? नहीं सर, कोई और दोस्त है सर। अच्छा विवेक, जरा इनके दोस्त को फोन लगाओ। यस सर। नाम राजा और पर्स एक औरत का। किसका पर्स है? आपका है? सर ये पर्स तो याशी का है। ओ याशी जी, आपका पर्स है? जरा इसमें से अपना मोबाइल निकालिए। एक मिनट, जरा अपना हाथ दिखाना। ओह, तो आपके भी हाथ जले हुए हैं? तो दोनों ने मिलके मारा उस आदमी को, हैं? कौन था वो आदमी? सर, हमने नहीं मारा उसे सर, सर प्लीज सर, सर मैं तो उसे जानती भी नहीं सर। तो फिर ये हाथ कैसे जला? सर, वो होली जलाते वक्त आपकी चपेट में आ गया था सर, बस इसीलिए चल गया सर। सर उस डस्टबिन में से गुलाल का ये खाली पैकेट मिला है। इसमें तो अभी भी गुलाल बचा हुआ है। विवेक इस गुलाल पे पानी डाल के देखो। इसका मतलब जिस दुकान से ये गुलाल आया है किसी ने वहीं पे जहरीला केमिकल मिलाया है। देखूं जरा ये केमिकल है कौन सा। बाप रे, क्या हुआ? सॉलिड है, धमाकेदार है। मैग्नेडियम सल्फा ऑक्सीलेट, पानी की एक बूंद भी पड़ जाए इस पे तो आग बरसने लगती है।
किसी ने मजबूर किया इसे खुद का खून करने के लिए। अगर खुद का खून करने के लिए किसी ने इसे मजबूर किया था तो ये वहां से भागा क्यों नहीं? होली खेलने में क्यों जुड़ गया? खूनी चाहता था कि इसका चेहरा छिपा रहे, किसी को पता ही ना चले कि ये आदमी है कौन। इसीलिए तो इसके पास से ना मोबाइल मिला ना पर्स मिला, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं। एक अनजान आदमी, सिर्फ अनजान। मगर सर ये वहां पे गया ही क्यों? ये देखो इसके बाल, जरा गौर से देखो। ये विक पहन रखी है क्या? नहीं, एयर बीविंग है। बेचारे के बाल ही उड़ गए थे आपके जैसे। हेयर वीविंग हर जगह पर नहीं होती है, मुझसे पूछो, मैंने कराई। कहां पर नहीं लटका मैं, सिर्फ 5 जगह पर होती है, और वहां से तुम्हें पूरी की पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि किस किस ने अपने बाल उगाने की कोशिश की। विवेक जरा चेक करके देखो। पानी दीजिए प्लीज। ये लो साहब। सर इसमें भी जहर है। इसका मतलब यूनिक कंपनी के जितने भी गुलाल के पैकेट हैं, सब में जहर है। क्या बात कर रहे हैं सर, गुलाल के पैकेट में जहर? हम लोग CID से, इस गुलाल की वजह से एक आदमी की मौत हो गई। गुलाल से मौत हो गई है? जी हाँ, आप अभी के अभी इस गुलाल को बेचना बंद कर दो। सर इन सब पैकेटों पे कंपनी के सील लगे हुए हैं, इसका मतलब ये सारा का सारा जहर इस कंपनी में ही मिलाया गया होगा। हाँ साहब, जहर वहीं पे मिलाया गया होगा। विवेक कंपनी के मैनेजर का नंबर ले लो और सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को फोन करके कहो कि यूनिक कंपनी के गुलाल बेचना बंद कर दें, और मैनेजर और मालिक को गोडाउन में बुलाओ। ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव। हाइट 5'8". वेट 80 किलो। तो 2 लोग हैं, रमन और जिगर। एक 78 किलो का है, दूसरा 82। अब देखना यह है कि इसमें से कौन है जिसकी मौत हुई है। सबूत के नाम पे हमारे पास सिर्फ ये अंगूठी है। ये अंगूठी? आप पहचानते हैं इस अंगूठी को? हाँ, ये अंगूठी जिगर की। आप कैसे कह सकते हैं? वो असल में ट्रीटमेंट कराते वक्त उसने कई बार इस अंगूठी की तारीफ की थी मेरे सामने। इस जिगर का एड्रेस तो होगा आपके पास। फिर आगे अभी मैं बताती हूँ कैसे करते हैं। होली, सारा दिन हो गया परेशान करते हुए मुझे, अभी बताती हूँ। फिर मुझे देख के हंस रही हो, मजाक उड़ा रही हो मेरा? सॉरी सर, माफ करना बेटा, गलती मेरी है। नहीं, कोई बात नहीं, होता है प्रदीप, होता है। असल में सुबह से पड़ोस के बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे, मैंने सोचा वही है इसलिए। होली वाले दिन ऐसा होता ही है माताजी, इसमें पूरा मानने वाली कोई बात नहीं है। बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ ना, अंदर आओ। हाँ हाँ, माफ करना बेटा, आ जाओ आ जाओ। तुम लोग क्या जिगर के दोस्त हो? जी नहीं। फिर कौन हो आप लोग? माजी हम लोग CID से। CID? अरे होली के दिन भी CID काम कर रहे हैं क्या? दरअसल आपके बेटे जिगर। क्या हुआ मेरे बेटे को? अब आपके बेटे जिगर का किसी ने खून कर दिया है। नहीं माजी। पूर्वी, पूर्वी, माजी, देखो पानी है क्या? पानी लेके आओ। हुआ है? माजी, माजी, अरे आप जल्दी। माजी, 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 अरे
कौन ले गया मेरे बेटे को? किसने मारा? हम लोग वही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे मेरा तो एक ही सहारा था। कितना प्यारा बच्चा था। ये आप जरा ये फोटो देखिए। इस आदमी को कभी देखा आपने जिगर से मिलते हुए? नहीं बेटा, मैं नहीं जानती कौन है ये। ये वो आदमी है जिसके घर जिगर होली खेलने गया था और वहीं पे उसकी मौत हो गई। अरे तो होली खेलने कहाँ चला गया? वो तो मुझे ऑफिस के लिए बोल के गया था। होली के दिन ऑफिस? लेकिन आज तो छुट्टी होती है ना? हाँ बेटा, मैंने भी पूछा था, बोला ऑफिस में कुछ एक दो घंटे का जरूरी काम है, वो निपटा के अभी आता हूँ माँ। ऑफिस जाने के बजाय होली खेलने चला गया? ये पार्टी में जो लोग थे शायद उनमें से किसी ने बुलाया हो। जरा फोटोग्राफ दिखाना पूर्वी इनको। माजी? हाँ बेटा। माजी आप ये फोटोज देखिए, आप इनमें से किसी को पहचानती है? नहीं बेटा। ये नहीं, मैं नहीं जानती। मुझे नहीं मालूम कौन है। नहीं ये जिगर काम कहाँ करता था? अरे गुलाल की फैक्ट्री में काम करता था। यूनिक कलर्स। कमाल है, जिस गुलाल से उसकी मौत हुई उसी गुलाल की फैक्ट्री में वो काम करता था। इस फैक्ट्री से पता लगाना पड़ेगा ये इत्तेफाक था या साजिश। सर मैंने सारे डिस्ट्रीब्यूटर को मना कर दिया है, मगर बात क्या है सर? बात सुनोगे तो होश उड़ जाएंगे तुम्हारे। पानी कहाँ पे? पानी का नल उस तरफ है सर। कितने लोग काम करते हैं यहाँ पे? 20 लोग सर। 20 लोग। और ये जो पैकेट में गुलाल है इसको मशीन से पैक करते हो या आदमी रखे हैं? सर दो लोग हैं स्पेशल इसके लिए जो पैकेट बंद करते हैं। सर इस पैकेट में भी वही खतरनाक जहर है। अरे ये क्या कह रहे हैं सर आप? ऐसे तो हमारी कंपनी बंद हो जाएगी। कंपनी तो तुम्हारी बंद होगी और साथ में तुम लोग भी जाओगे जेल के अंदर। मगर ये काम हमने नहीं किया सर। हर पैकेट में जहर, तुम्हारे अलावा ये काम कौन करेगा? सर सर मुझे पता है किसने किया। आप कौन है? आप सर मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, जीत। मिस्टर जीत, किसने मिलाया जहर? वो तो मुझे नहीं पता सर, लेकिन कुछ दिनों से मुझे फोन पे धमकियां मिल रही थी। कैसी धमकी? यही कि 10 लाख रुपए दे दो वरना हम तुम्हें बर्बाद करके रख देंगे। बाकी सर बर्बाद करके रखती है। कौन है वो आदमी? मुझे नहीं पता, लेकिन 4 बार फोन किया है उसने और हर बार नया नंबर था। आपने फोन करके पता नहीं किया किसके नंबर से? कैसे पता करता सर, जब भी मैंने वो नंबर मिलाया फोन बंद मिला। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई? नहीं सर, मुझे लगा कि कोई मजाक कर रहा है। I'm sorry। अब यकीन हो गया आपको? और भी नंबर ले लो इनसे, पता करो किसका नंबर है। ऑफिस? ऑफिस से फोन? लेकिन लेकिन आज तो ऑफिस बंद है। हेलो सन, जितना बोला जाए उतना कर, नहीं तो काट के रख दूंगा तुझे। ज्यादा शाना मत बनना, पैसे सही टाइम पे पहुंचा देना, समझा? सर सही उसी धमकी देने वाले का फोन है और वो मेरी ऑफिस से ही फोन कर रहा है। बात करते रहो उससे, चलो ऑफिस चलो। देखो तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मिल जाएंगे, पर कहाँ कैसे? हाँ ठीक है। हेलो हेलो सर, सर फोन कट गया। फोन कट गया? कौन है ऑफिस के अंदर? सर कोई भी नहीं। सर ये झूठ बोल रहा है, मुझे ऑफिस के नंबर से ही फोन आया था। सर अंदर कोई भी नहीं है, यहाँ तो ताला बंद है। ताला खोलो।
लाइट्स ऑन करो। सर यहां तो कोई भी नहीं है, फिर फोन किसने किया होगा? फोन यहीं से किया गया है, ये देखो फोन करने वाला निकल गया है। यहां अंदर आने का कोई और रास्ता है? जी सर वहां से। यहां से निकल गया है, ये किसी स्टाफ वाले का ही काम। सर स्टाफ वालों की लिस्ट लो, पता करो किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है क्या। ये सर मैनेजर साहब चलिए। मिस्टर जीत जरा पैसों का इंतजाम करिए, देखते हैं जरा ये धमकी देने वाला आदमी है कौन। जी सर। हेलो सचिन। सर धमकी देने वाले को मालूम है कि सीआईडी उसके पीछे लगी हुई है, ऐसे में वो आएगा पैसे लेने। विवेक ये सारा ड्रामा उसने पैसे के लिए किया है, आएगा जरूर लेकिन सोच समझ कर। लेने वाला इसमें भी हो सकता है। सर उन लोगों ने मैनेजर को घेर लिया, जाके देखूं? देखो। अरे कपड़े गंदे हो जाएंगे मेरे, अरे मुझे क्यों लगा रहे हो? अरे छोड़ो क्या कर रहे हो? अरे मुझे नहीं खेलने होली, छोड़ो। सर बैग, हाथ में तो बैग है ही नहीं। ओह माय गॉड, चलो बैग किधर है? पहचान नहीं पाया सर, सबके सब तो रंग में डूबे हुए हैं। लगता है ये भी कलर खेलने आए हैं, अरे इनको भी लगाओ। हम लोग सीआईडी से हैं। निखिल विवेक देखो जरा बैग कहाँ है। सर सर बैग तो नहीं है। आ गया बैग, तुम में से किसी के पास होगा, कहाँ है बोलो। कौन सा बैग सर? ए, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो, बैग तुम में से किसी के पास है, बोलो कहाँ गया बैग। सर वो ब्लैक कलर का बैग। सर वो बैग मैंने उस आदमी के हाथ में देखा था। किस आदमी के हाथ में? सर वो अभी हमारे साथ था सर, पिछली वाली गली में हमें ज्वाइन किया था उसने। तो किधर गया वो आदमी? सर अभी तो भीड़ में हमारे साथ था, किधर गया वो? हेलो निकल गया सर, पैसे ले गया, देखते देखते हाथ से निकल गया। गुलाल में ये जहर पहले से ही मिलाया गया है, पहले से ही। वो पैकेट बंद करने से पहले ही किसी ने ये जहरीला केमिकल उसमें मिलाया है। हाँ सर ऐसा लगता है ये काम फैक्ट्री में हुआ है, जिस मशीन से ये गुलाल पैक किया जाता है शायद खूनी ने ये केमिकल उसी में मिलाया, तभी तो सारे के सारे गुलाबी कलर में ये केमिकल है। और फैक्ट्री के बाहर से तो कोई आकर के ये काम नहीं कर सकता है, ये फैक्ट्री के अंदर से ही किसी ने किया है। सर फैक्ट्री में काम करने वाले सभी लोग बेचारे गरीब हैं सर, हमने उनके बारे में पता किया है, ऐसा लगता नहीं कि उनमें से कोई ये काम करेगा। बच्चा कौन दया? जिगर सर, जिगर। जिगर? मगर अभिजीत जिगर तो। हाँ सर मगर उसकी डेस्क में से हमें ये मिला है। बिल्स? जी हाँ होटल के बिल्स। चार चार होटल के बिल, और वो भी मुंबई के होटल के। हाँ सर।
एक बिल तो उसकी मौत के दो दिन पहले का है सर। मुंबई में रहने वाला आदमी मुंबई के होटल में जाके क्यों रह रहा है? और वो भी सिर्फ दो दो दिन के लिए सर, सिर्फ दो दिन के लिए। सर इसका होटल में रुकना और इस जहरीले केमिकल का कुछ ना कुछ संबंध है। हाँ, एक काम करो अभिजीत, जिगर की माँ से पूछो, पूछो कि ये जिगर होटल में जाके क्यों रह रहा था। सर हेलो, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूँ सीआईडी से। जी हाँ, हम लोग आए थे आपके घर में। अच्छा, हाल में ही जिगर कहीं गया था क्या दो दिन के लिए? मुंबई से बाहर गया था? कहाँ गया था भाई? अच्छा, जगह नहीं बताई। ओके, थैंक यू वेरी मच। देखिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, खूनी का जल्दी पता चल जाएगा। जी ओके ओके। घर में बोल के गया था कि मुंबई से बाहर जा रहा हूं। माँ से झूठ बोला? ऐसी क्या बात हो सकती है सर जो उसने अपनी माँ को सच नहीं बताया? जरूर ये जिगर किसी गलत काम में लगा हुआ था, किसी गलत काम में। ये आखिरी बार जिस होटल में ठहरा था वहां पर जाकर पता लगाओ कि ये किस किस से मिलता था और कौन कौन आते थे जिगर से मिलने के लिए। ये आदमी यहाँ पे ठहरा था होटल में? सर, इस आदमी की मैं शक्ल नहीं देखना चाहता। क्यों, क्या हुआ? सर, इसी की वजह से हमारे होटल की बदनामी हुई। ऐसा क्या किया उसने? सर, अभी दो दिन पहले एक आदमी से मिलने आया था सर, और फिर दोनों ने जम के आपस में झगड़ा किया। क्यों? सर, एक लड़की आती थी साथ में, शायद उसकी वजह से ही झगड़ा हुआ था। जिगर के साथ थी ये लड़की? जी। ये इस फोटो को देखो ध्यान से, इनमें से कोई है वो लड़की? सॉरी सर, मैंने चेहरा नहीं देखा था उसका। इस लड़की की वजह से इतना हंगामा हुआ तुम्हारे होटल में, तुमने उस लड़की का चेहरा नहीं देखा? सर, वो लड़की जब भी आती थी मुंह ढक कर आती थी और जाने तक वो अपना मुंह ढके ही रहती थी। सर, सर ये आदमी है, इस आदमी ने यहाँ आके झगड़ा किया था सर। कमल सर, लेकिन कमल तो कह रहा था कि वो जिगर को जानता ही नहीं। सर, इस कमल ने हमसे झूठ बोला। अरे झूठ की वजह है जिगर का खून, जिगर के खून में जरूर इसका कुछ हाथ है। तुमने रोहित और उसकी बीवी की शक्लें देखी? दोनों बंदर लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि किसी दूसरी दुनिया से आए हुए एलियंस हैं। आई टेल सीरियसली, सुबह से 10 जगह होली खेल के आए, ऐसे तो लगना ही था। आई नो, मगर कुछ भी कम, रंग लगने के बाद ना हमारी खूबसूरती और भी निखर जाती है। बस बस, वैसे भी आज रोमांटिक बातें अच्छी नहीं लग रही। अरे क्यों, क्या हुआ? भागा वो जला हुआ चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा है। अरे तुम अभी तक महीने अटकी हो? चिल अल्लाह नहीं बता लगा, बोला ना तेरे को नहीं बोलने का। अब तेरी बीवी को लेकर जाता है, तेरे को बीवी का जाना प्यारा है तो 10 लाख रुपया लेके नौकर ताल पे आ जाना तुम। असल सीआईडी को कवर करने का कोशिश नहीं करना, पर तेरी बीवी का जाना जाएगा, समझा? मैं पैसे लेके हुआ, मेरी बीवी को कुछ मत करना। ये रोने धोने का समय नहीं है, समझा? चल बट चल 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 किसी की अमानत हो। उसने हमसे कहा कि संभाल के रखना जब तक पैसे नहीं मिल जाते हैं, इसलिए तब तक खातिरदारी करते रहेंगे, चाय पानी पिलाते रहेंगे। आप लोग बहुत अच्छे हो। तेरे से बोला ना, हम लोग शरीफ लोग हैं। तो प्लीज मुझे जाने दो ना। हम लोग शरीफ हैं, मगर इतने भी शरीफ नहीं। जब तक हमारा काम नहीं हो जाता हमें इंतजार करना पड़ेगा। आप लोग
गुंडे बदमाश तो नहीं लगते। कौन हो आप लोग? ठीक है, तुम्हारी बेचैनी दूर कर देते हैं। मुझे मालिनी जी, खूनी तक पहुंचने का एक ही रास्ता था। क्या खून कमल ने किया? शायद। तो फिर उसे क्यों नहीं पकड़ा, मुझे क्यों ले आए? जैसे ही सबूत मिलेगा उसके दिन खत्म। सबूत कौन लाएगा? कमल खुद लेकर आएगा सबूत। नहीं, ये सब साजिश है आप लोगों की। कमल जानता था ना जिगर को? मुझे नहीं मालूम। कोई बात नहीं, आने दो कमल को, उसे सब कुछ मालूम है। मगर सर, वक्त तो हो गया है, कमल आया क्यों नहीं अब तक? गाड़ी तो कमल की है। मेरे पति किसी का खून कर ही नहीं सकते। देखना, अब सब साथ सामने आ जाएगा। तुम दोनों माननी के पास रहो, मैं इस कमल से मिलके आता हूं। पूरे हैं? हाँ पूरे, आप चाहे तो गिन सकते हैं। वही नोट है ना जो यूनिक कलर कंपनी के मैनेजर ने दिया था? कौन मैनेजर? बारा बताता हूं। कौन हो तुम? मैं बाहर नहीं आऊंगा। तू ऐसे नहीं मानेगा। सीआईडी? छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दो मुझे। आवाज आई ना तो याद रख, क्यों मारा जिगर को? मैंने नहीं मारा। बता दो वो मैं। कमल पूरी फैक्ट्री के अंदर से चली। हेलो एम्बुलेंस। यहाँ से गोली? सर हाँ गोली चली यहाँ से। सर यहाँ से कोई गोली नहीं चली सर। ये माननी और पूरी कहाँ गई? सर माननी को लू जाना था इसलिए पूरी उसे वॉशरूम लेके गई है। माय गॉड। सर 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 क्या हुआ सर? सर सर हुआ क्या सर? सर सर ये खून कैसा सर? ये
सर कराने की आवाज इधर से आ रही है। पूर्वी पूर्वी सर पूर्वी क्या हुआ ठीक तो तुम सर वो माने ने मुझ पर हमला किया और मेरी घर लेकर भाग गई। किस तरफ गई वो? इस तरफ। चलो करके पैसे कमाना है? खून करके ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी जिगर को मारने की? हम जिगर का खून नहीं करना चाहते थे लेकिन वो यूनिक कलर कंपनी वाला वो हमें पैसे देने के लिए तैयार ही नहीं था। यूनिक कलर कंपनी वालों को तुम्हारे पैसे देने हैं क्या? नहीं। तो क्या उधार ले रही थी उनसे? नहीं। तो फिर कैसे पैसे? मैंने उन्हें धमकी दी थी 10 लाख रुपए दे दो नहीं तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। पक्का वसूली है ना? मगर उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया। हाँ। फिर क्या किया तुमने? जिगर यूनिक कलर कंपनी में काम करता था। जिगर को जानती थी तुम? हाँ। वो मेरे कॉलेज का दोस्त था। उसे लगता था कि मैं उससे प्यार करती हूँ। पर उस बेचारे को क्या पता कि तुम्हारे प्यार के पीछे उसकी मौत छुपी थी। मैं छुप छुप के जिगर से मिलने होटल भी जाती थी। और ये बात कमल को मालूम? हाँ, एक बार कमल होटल भी आ गया था मुझे ढूंढने के लिए। और वहां पे उसने तुम लोगों को डांटने का नाटक किया जिससे जिगर को लगा कि तुम वाकई उससे प्यार करती हो, है ना? हाँ। फिर मैं एक दिन जिगर के साथ उसकी कंपनी में गई। वहां पे मैंने गुलाल में जहरीला केमिकल मिला दिया जिससे बहुत सारे लोग मारे जाएं और कंपनी वाले फंस जाएं, है ना? हाँ। इसके लिए तुमने और कमल ने मिलकर जिगर को फंसा दिया, मार दिया बेचारे। उसे मालूम भी नहीं था कि तुमने वो जहरीला केमिकल मिला दिया है उस गुलाल में। और तो फिर तुमने कमल को अपने पति को भी मार दिया। वो तो तुम्हारा पार्टनर था ना इस गंदे प्लान में। पैसों के लालच में तुमने दो दो खून किए। अब जिंदगी भर सड़ते बैठना, फांसी का ऑर्डर आने तक। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।